नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी वेल्दी पर। आमतौर पर हमारे पास म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फिर मोटे तौर पर इन्वेस्टमेंट से जुड़े सवाल आते हैं, लेकिन इस बार हमारी नजर पड़ी एक ऐसे मेल पर जिसमें सवाल तो था पैसे से जुड़ा, लेकिन वो निवेश से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। आपको हर महीने बचत करने में जो दिक्कत आती है, सवाल उससे जुड़ा है। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इस सवाल का जवाब दिया जाए, क्योंकि अमीर बनने के सफर में तीनों, कमाई, बचत और निवेश, अहम पिलर्स हैं और इन तीनों को हर एंगल से एड्रेस करना जरूरी है। इस तरह के सवाल के जवाब पर बनाए गए वीडियो को हम कहेंगे क्या करें क्या ना करें। एक बात और, क्या करें क्या ना करें कि हर वीडियो के अंत में हम गिव अवे के तौर पर कुछ ऑफर करेंगे आपको, वो कुछ भी हो सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए अगर आप उस गिव अवे को क्लेम करना चाहते हैं। तो क्या करें क्या ना करें का पहला सवाल नेहा की तरफ से आया है। उन्होंने लिखा हमें कि मैं दिल्ली में काम करती हूँ, मुझे 26 साल है। मेरी रूममेट हर कुछ दिन पर मुझे अपने साथ सरोजनी नगर या जनपद या फिर लाजपत नगर चलने को कहती है। जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी मैं जाती हूँ बेवजह की शॉपिंग हो जाती है और 2-3 हज़ार रुपये खर्च हो जाते हैं। बाद में गिल्ट फीलिंग भी आती है। अगले वीकेंड फिर से सरोजनी नगर जाने की बात हो रही है। कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करूँ, कैसे मना करूँ? मेरा कई दिनों से मन है निवेश शुरू करने का, लेकिन इस तरह के इम्पल्स और अनप्लान्ड बाइंग से पैसे ही नहीं बचते। मुझे ऐसा लगा कि शायद आप मेरी हेल्प कर पाएं। तो हमें लगा क्यों नहीं, हमें हेल्प करनी चाहिए। हम सब इस तरह की दिक्कत का सामना या तो करते हैं या फिर कर चुके हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि नेहा आपने इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया है। जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाता है तो सोल्यूशन निकल ही जाता है। दूसरी अच्छी बात यह कि जब आपको खुद से समाधान नहीं मिल रहा था तो आपने किसी की मदद लेने की सोची। कई दफा लोग इसमें हिचकिचाते हैं, उनको शर्म आती है। देखिए, मुझे नहीं पता कि आपकी रूममेट से किस तरह की दोस्ती है। हो सकता है कि अच्छी दोस्ती हो और शायद इसलिए आप मना नहीं कर पाती, क्योंकि आपको यह लगता है कि अगर आपने मना किया तो उसको बुरा लग जाएगा, या फिर आप उस कैटेगरी को बिलोंग करती हैं जिसमें लोगों को ना कहने में सख्त दिक्कत होती है। तो पहले केस में दोस्ती गहरी है, अच्छी है और मना करने पर उसे बुरा लग जाएगा, तो दोस्ती एक्चुअली गहरी नहीं है। अनुभव से आपको हम बता सकते हैं कि गहरी दोस्ती में इस तरह के मसले पर ना कहने की गुंजाइश होती है, और गहरी दोस्ती में एक दूसरे के हालात हमें पता होते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन आमतौर पर आती नहीं है। दूसरे केस में ना कहने में दिक्कत होती है, तो इस दिक्कत से आगे निकलने के रास्ते पर आपको चलना होगा। बहुत वक्त तक हमें खुद भी किसी को ना कहने में बहुत दिक्कत होती थी। जब हम स्कूल में थे ना, तो जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स हमारे थे उनके सारे होमवर्क हम करते थे, क्योंकि हमें डर था कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमसे दोस्ती नहीं रखेंगे। हॉस्टल में भी अपनी पढ़ाई छोड़कर, अपना काम छोड़कर दूसरों को वक्त दिया करते थे, क्योंकि ना नहीं कह पाते थे। और बड़े हुए तो लोगों से मिलने का जब मन नहीं करता था ना, तब भी ना नहीं कह पाते थे और भयंकर बोर होते थे मिलकर। आप कैसे ना कहना सीखेंगी या करेंगी ये काम? देखिए, जैसे ही वीकेंड का प्लान मालूम चले तो आप ये कह सकती हैं कि यार इस हफ्ते ना ऑफिस का कुछ बहुत बड़ा काम है, वो वीकेंड पर फिनिश करना है, मंडे को हमें वो जो भी असाइनमेंट है सबमिट करना है। ऑफिस वाला एक्सक्यूज हमको हमेशा बचा लेता है, अगर आपसे डायरेक्टली ना कहते नहीं बन रहा है फिलहाल तो। या फिर आप वीकेंड के लिए कोई क्लास ज्वाइन कर लीजिए या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, कुछ नया सीखती भी रहेंगी और जेन्युइन वजह भी मिल जाएगी ना कहने के लिए। कितने ऑनलाइन कोर्स अभी अवेलेबल हैं फ्री में, तो पैसे भी नहीं खर्च होंगे। और अगर जाना पड़ ही जाए तो पॉकेट में ना सिर्फ 500 रुपये लेकर जाइए, उससे अधिक एक पैसा भी नहीं। ना पैसे होंगे पास में, ना खर्च होंगे, लेकिन दिक्कत क्या है, हर फोन पे गूगल पे है तो बड़ी काम की चीज, लेकिन साथ ही मुसीबत भी बहुत बड़ी है। इसलिए हमें लगता है कि अगर खुद पे अभी कंट्रोल नहीं है तो गूगल पे जैसे ऐप को आप थोड़ा दूर रखिए, अपने से पैसे खर्च कम होंगे। और सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका, आज के आज 5,000 की SIP शुरू कर दीजिए महीने के पहले हफ्ते की। ये काम एकदम आज कीजिए, शुरुआत में ना समझे कि किस फंड से, तो 2 इंडेक्स फंड ले लीजिए, एक लार्ज कैप और एक मिड कैप। बस इतना कर लो, आज से 10 साल बाद आपके पास वार्डरोब में सरोजनी, जनपथ और लाजपत के जंग कपड़े नहीं होंगे, बल्कि 5,000 की SIP की वजह से आपके बैंक अकाउंट में 12 लाख से अधिक की रकम होगी। याद रखें कि अगर आपकी ना सुनकर आपकी दोस्त आपसे दूर रहने लगती है, आपसे कन्नी काट लेती है, तो वैसे भी वो आपकी दोस्त नहीं है, क्योंकि दोस्ती वीकेंड पर शॉपिंग और बाहर खाने पीने की मोहताज नहीं होती। दोस्ती के लिए बस एक कप चाय या फिर शिकंजी या फिर सुकून से भरे 4 लम्हे काफी होते हैं।
और ये सलाह सिर्फ नेहा के लिए नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए जो ना नहीं कह पाते और उस चक्कर में अपने पैसे खर्च करते रहते हैं। और क्योंकि इस वीडियो में सरोजनी नगर, लाजपत नगर और जनपद का जिक्र है, तो आज के गिव अवे में हम अपनी एक ड्रेस ऑफर कर रहे हैं उन सबको जिनको शॉपिंग का शौक है। हमने ये 2008 या 9 में लिया था, क्वालिटी बहुत अच्छी है, 2 या 3 बार पहनी है, साइज इसका स्मॉल है, तब हम पतले हुआ करते थे, और एक्चुअली एकदम नए की तरह दिखता है इतने साल पुराना होने के बाद भी। तो अगर आपके वार्डरोब में इस ड्रेस की जगह है, इसके साथ एक बेल्ट भी है, एक्चुअली दिस इज द बेल्ट, मैं इसकी तस्वीर भी आपको अलग से यहाँ पर एक दिखा दूंगी, तो ये आपके लिए, अगर आपके वार्डरोब में इसकी जगह है तो आपको करना क्या है, आपको मुझे मेल करना है khazanapadhao@gmail.com पर, और जो पहला मेल आएगा उसके पास ये ड्रेस जाएगा। तो आपको मेल पे अपना ईमेल आईडी तो खैर आपका रहेगा ही, साथ ही अपना फोन नंबर और उसके अलावा अपना एड्रेस, ये दो चीज़ें लिखनी होंगी, और जब ये आपको मिल जाएगा तो आपको एक मुझे फ़ोटो भेजनी होगी इस ड्रेस के साथ कि आपको मिल गया और अच्छे से फिट आ रहा है आपको। और इस ड्रेस के साथ एक चीज़ और, इस बार गिव अवे के तौर पर ये किताब द इकोनॉमिक्स ऑफ स्मॉल थिंग बाय सुदीप्ता सारंगी जी। दिस बुक डीमिस्टिफाइज इकोनॉमिक थ्योरीज, ऑफर्स डिलाइटफुल इनसाइट्स थ्रू सिंपल प्रोज। किताब चाहिए तो करना वही है जो ड्रेस के लिए करना है, मेल करें हमें, स्क्रीन पर दिख रहा है आपको ईमेल आईडी, नाम पता और नंबर के साथ, और ये किताब आप तक पहुंच जाएगी। जब आपको किताब मिल जाएगी तो आप मुझे एक तस्वीर जरूर भेजेंगे, हमारे ईमेल आईडी वही khazanapadhao@gmail.com पर। आज का वीडियो बहुत ही अलग सा था, ये हार्डकोर निवेश वाली बात यहाँ नहीं हो रही है, लेकिन जैसा हमने पहले कहा कि 3 पिलर जो हैं अमीर बनने के, कमाई, बचत और निवेश, ये इन बचत वाले पार्ट को ये एड्रेस कर रहा था। और ये इस तरह की उलझन सबको होती है, तो अगर आपके जहन में भी ऐसी कोई उलझन होती है, मान लीजिए कुछ बड़ा खरीदने का सोच रहे हैं, बड़ी अमाउंट खर्च करने का प्लान है, लेकिन डाउट है कि अभी करना चाहिए या फिर रुक के करना चाहिए, तो आप हमें प्लीज ईमेल कीजिए। ईमेल आईडी हमने 2-3 बार दिखा दिया है हालांकि, लेकिन फिर से कह रहे हैं khazanapadhao@gmail.com, वहां पर ईमेल कीजिए, सवाल भेजिए, और हम जितना हमारा एक्सपीरियंस है, हमारा अनुभव है, उसके हिसाब से जवाब देने की कोशिश जरूर करेंगे हमारी इस खास सीरीज क्या करें क्या ना करें में। अगर वीडियो अच्छा लगा है और आपको लगता है कि ये काम की बात इसमें कही गई है, तो लाइक करेंगे आप, शेयर करेंगे, और अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिए, हम सभी बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर हैं, और किसके साथ चल रहे हैं इस सफर पर, मेरे यानी स्वाति के साथ। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल।